अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर मुअज्जम खान और उनके साथ हैं टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर और टोनी एंड नोनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हदीका जी? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। आपकी आंखों वाला कलर और उनकी शक्ल वाला कलर पहना आज नोनी किसी और ने भी मैचिंग की हुई आपके साथ? मेरे साथ की है, मौसम साहब ने मैचिंग जी। मैं तो मौसम साहब का बाजू ही लग रहा हूँ। मौसम साहब बॉक्सर भी ने यह जो बॉक्सर हलवे च मुक्के मार रहा होता। एक्चुअली हमने ड्रेस चेंज करने थे तो लाइट का पता कितना इशू है इस वक्त। हाँ, मैंने इसको कहा नोनी को सुबह उठ के, मैं कहा बात सुनो, सुबह सुबह उठ के ना ड्रेस इस्त्री कर दो, शो पे जाना है। हाँ। तो जब इस्त्री लगाई लाइट नहीं थी आ रही। हाँ। नहाने लगे तो पानी नहीं था आ रहा। शहरी के लिए जब गैस जलाई तो गैस नहीं थी आ रही। तो आ क्या रहा है? सिर्फ बिल आ रहा है। आज के दिन के लिहाज से मौज़म साहब आप और आलिया जी आप क्या सोचते हैं कि आज का दिन कैसा है? आज मून की पोजीशन बहुत बेहतर है तो मैं समझता हूँ कि आज अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि जब भी मर्करी अच्छा होता है तो वो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, जहाँ जहाँ वो सारी चीज़ें जो आदमियों को एजुकेट करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो आज मजमूई तौर पर अच्छा ही दिन है। आलिया जी, अधिकतर मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो दिन है वो कम्युनिकेशन का दिन है, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी सी हर्टफुल हो सकती है। तनकीद अगर आप किसी को कर रहे हैं, तनकीद बराए इसलाह की जगह वो तनकीद बराए झगड़ा हो जाएगी। सो आज क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें। अच्छा अधिका जी, आज बताए आज के गेस्ट कौन है? आर्ट की फील्ड की गेस्ट हैं। यानी कि कोई आर्टिस्ट है, फनकारा? जी बिल्कुल फनकारा हैं। उन्होंने 1995 में अपने करियर का आगाज किया। बहुत ही जेन्युइन पर्सनालिटी हैं। एक्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की, होस्टिंग भी की, सोशल वर्क भी कर रही हैं और बहुत ही रेलेवेंट आर्टिस्ट हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी रेशम के लिए बहुत सी तालियां। गेस्ट नंबर टू जो है वो एक्टिंग की फील्ड के नहीं हैं। वो मिस्त्री ने। गेस्ट नंबर टू जो है वो हमारे पॉलिटिशियन हैं और PMLN से उनका ताल्लुक है। मौजूदा MPA हैं और साबिक वजीर हैं सूबाई असेंबली के। राणा मशहूद साहब के लिए बहुत सी तालियां। जी रेशम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया तो आपका मुझे अदा करना चाहिए कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, मेरे लिए एक ऑनर है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही, खद्दर का सूट पहना है आपने। होय, 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 होय। और नीचे खुसा, पूरी पंजाबन लग रही है इस टाइम। चादर सिर्फ खद्दर की है, बाकी लॉन का है वो। असल में ये थोड़ा सा टीरा है ना गुब्बा। राणा साहब बड़े चुप चुप बैठे। राणा साहब तो रेशम के कीड़े ही लग रहे हैं। जी, बचपन की कोई ऐसी शरारत, कोई बचपन की ऐसी मेमोरी? बचपना मेरा हदीका वो जो होता ना खिलौनों वाला, वो वाला नहीं गुजरा। ठीक है, क्योंकि आंख जब खोली तो वाले साहब को नहीं देखा, क्योंकि मैं पैदा होने वाली थी जब अब वाले साहब की डेथ होगी। और I was 8 years old when my mother passed away। तो बाजी ने पाला। जब हम फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हुए तो स्कूल में एडमिशन कराया। उस वक्त बच्चों के साथ खेल लेती थी। 8 साल तक का याद है कि अम्मी डांटती भी थी। अम्मी बच्चों के साथ में बाहर गली में अखरोट खेलती थी, बंटे खेलती थी। ओए, ओए। तो मुझे बहुत मार पड़ती थी। सारे थोड़े मुंडे वाले, क्योंकि मैं फैसलाबाद में पैदा हुई हूँ। बड़ी म्यूजिकल सी सिटी है वो। बढ़िया बढ़िया जुगता होती है उसे मैडम। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है फैसलाबाद के लोगों का। ये तो सही कह रही है, मेरी नानी भी फैसलाबाद से है। अच्छा, इसीलिए तो इसके डेले बाहर आए। पर मैं दिल चाहता था कि कोई सुपरस्टार लेवल के ऊपर पहुंचो, कुछ करो लाइफ में। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी, मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे प्यार करेंगे। लेकिन एक मरतबा मुझे याद है कि अम्मी ने वो गरारा बनाया। तो अम्मी ने कहा कि अनारकली जाना है, तेरी आज तस्वीर खिंचानी है। तो वो मैं जब पहन के तैयार हुआ, वो तस्वीर जब खिंच रही थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे कहा मेरी ती स्टार बनेगी। एंड शी इज स्टार। अच्छा दीका जी, राणा साहब से भी कोई बात कर ले, उन्होंने भूख ना लग जाए। मैं उनकी तरफ भी आ रही हूँ। राणा साहब थैंक यू सो मच आपके आने का, और आपने इतना प्रेशियस टाइम अपना दिया। पॉलिटिक्स, LLB और आप साबिक MPA भी रहे हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आपके अंडर रही हैं, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में।
बचपन से ही क्या आपके अंदर ये चीज़ थी? एक्चुअली मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर जो हैं माशाल्लाह वो सेक्रेटरी थे पंजाब के मुस्लिम लीग के इन 70s, और मेरे दादा जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, और जो यूनाइटेड इंडिया था उसके अंदर रियासत कपूरथला से। मेरी फैमिली का अल्लाह का फजल है, ये भी एक एजाज़ है कि मेरे फादर जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल, और जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी तो उसमें लीगल कमेटी को वो हेड करते थे। और हमने जो देखा अपने बचपन के अंदर कि ज़ियाउल हक का दौर, उस वक्त हम समझते थे कि ये सर्वाइवल है, लेकिन बदतरीन जमहूरियत भी जो है ना वो बेहतरीन आमरियत से बेहतर होती है। आप लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, टैरो कार्ड रीडर बैठी हुई है, तो सवाल अपने अपने ज़रा आप लोग भी निकाल लें तो बहुत मज़ा आएगा। ये आवाम का सवाल है, मैं जहाँ जाती हूँ एक ही सवाल पूछा जाता है मुझसे कि तुहाडा व्याह कदों होना। आज तुसी ये फैसला कर रेशम जी सवाल बाद चो करना, भाई तुसी नाल वो खिलर दे जा रहे हो। माशाल्लाह मुबारक हो, मेरे तो अपने अनपढ़ आपने पूरा जिला भी बुलाया हो। लगता नहीं बंदा बैठा लाला लंडे दी पांड रखी। माशाल्लाह काफी सेहतमंद ने, कितना वजन ने तुम्हारा? इन्हें तो 2.5 मन। अभी तो आप यंग है तो आपको इसका मोटापे का पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाके लेटर ऑन ये होगा कि आपके नीज जो ना ये घुटने, इन पे वजन पड़ पड़ के घुटने खत्म हो जाएंगे। तू आ रहे तो जाके ना अपने आप नु चरवा ले। इहो जिहा बंदा सराहना तल के खा रहा हुंदा। फिटनेस बहुत जरूरी है। सही बात है, सुबह सुबह उठ के ना आप एक्सरसाइज किया करें। सुबह सुबह उठ के फेस आउं जा कर। लक्ष्मी चौक अगर रोटी खान गया, अच्छा चर गए इन्हू वेख के दौड़ के भागो आतंकवादी यार। आलिया इनकी शादी कब हो रही है? आलिया जी इनका शादी वाला कार्ड निकाल के ना मेरे सामने कहीं रख देना। बेफिक्र हो जा बेटा, तू ही ब्याहनी है। शादी के हवाले से रेशम, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी शादी 2020 में दिखाई देती है। 2020 के जो महीने जिसमें आपकी शादी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, वो है अप्रैल मई, तब नहीं तो फिर अगस्त, नहीं तो फिर अक्टूबर। ये भी बता दें कि शादी जो है वो T20 तो साबित नहीं होगी। ताड़ा साहब भी अपने जी ने। जहाँ आप चाह रहे हो या जहाँ प्लान कर रहे हो अभी इमीडिएटली या इमीडिएट फ्यूचर में शादी वही होती नजर आती है। इसका मतलब है लाइफ में कोई आ चुका नहीं, है? नहीं, कसम से नहीं, आने वाला आने होगा। हाँ। और मैं किसी से छुपाऊंगी नहीं। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ? तू टेंशन न ले, तू जेज दा बंदोबस्त। मैं गाना गाऊंगी, कंदा डोली नु दे जाई वीर वे। ये करेंगे एस डोली जिते सारी बरात आ जाएगी। राणा साहब आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी मेमोरी? शरारतों से भरा हुआ बचपन था। की गल, दरख्त पे चढ़ जाते सी? बिल्कुल, दरख्तों पे भी चढ़ते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे, यानी कुसुन मुखी। मार खाई नहीं, मारा बहुत है। अच्छा, जब लड़ाई करते हैं तो आपको भी पड़ती है और आप मारते भी हैं, लेकिन हमेशा मार कर ही वापस आए थे। दोस्ती के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? बचपन के दोस्त आपके अब तक हैं? मेरे दोस्त वही हैं जो बचपन के हैं। नए दोस्त नहीं बने? बनते हैं, दोस्त तो हैं, मतलब कैटेगरीज होती हैं, लेकिन वो जो बचपन की दोस्ती है ना, जो आपको असल जानते हैं आपकी, वो मेरा ख्याल है कि वो दोस्तियाँ जो है ना वो पुरखलूस होती हैं और वो चलती हैं। और अब पेटी भी उन्होंने। कोई सवाल है आपका एस्ट्रोलॉजर मौजम साहब से? मौजम साहब जो इस वक्त तकरीबन तरबूज नुमा शर्ट में। इनसे सवाल से पहले एक छोटा सा, मुझे ना हम जब कॉलेज में पढ़ते होते थे तो लिबर्टी शाम को, जहरी बात है जब स्टूडेंट होते थे तो ये एक तरह से लाजमी होता था कि लिबर्टी का चक्कर मार के वापस आना है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उस वक्त जिस दौर की बात कर रहे हैं उस वक्त आपकी एंटरटेनमेंट लिबर्टी। सही बात है, आपने वहाँ जाके जूस पी लिया, दही बड़े खा लिए या पान खा लिया? ये दही बड़े खाने आते थे, हम इनको देखने आते थे। यानी कि तुसी शुरू तो किसी ना किसी काम ही आते हो। अच्छा मुझे बताइए आपकी फीमेल फ्रेंड ज्यादा है या मेल? दोनों तरफ है। फीमेल हिडन? नो। देखा जी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो इनके असेंडेंट लॉर्ड है, उनको राहु और केतु की स्क्वायर है। अगर आप इनसे कोई बात निकलवा लें ओरिजिनली तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। इस तरफ आप जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसका मतलब है। ये सही फील्ड में है ना? ये बिल्कुल ठीक फील्ड। जाना साहब सच्चे आदमी, ये आप छोड़ दे, जिन्होंने लिबर्टी वाली गाल दस्ती पीछे की रह गई। रेशम, साइमा वाली जो कहानी है कि आपका ओरिजिनल नेम साइमा है, उस कैरेक्टर में और रेशम के कैरेक्टर के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करती हो? फर्क ये है, घर का मतलब मर्द बनना चाहती थी, तो वो क्योंकि साइमा ऑलरेडी थी तो फिर बाजी ने नाम रेशम रखा।
घर में मुझे आज तक कभी किसी ने रेशम नहीं कहा, हमेशा सायमाई कहते हैं। सायमाई। हाँ, कभी तंज करना हो ना कि मैं कोई बदतमीजी कर दूँ छोटी मोटी, या मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो कहते अच्छा हम तो रेशम बन गई। करती यही हूँ कि जब काम पे जाती हूँ सायमा को साइड पे रखा, वो कैरेक्टर में गई। मैंने जब भी इससे मुलाकात की, शी इज वेरी नेचुरल, हमेशा से कभी ये एक्टिंग करती हुई नहीं लग रही होती लोगों को। ठीक है, मैं खुदा की कसम खा के कहती सिर्फ कैमरे के सामने, दोस्तों के साथ तो कभी नहीं। दोस्तों के लिए तो रेड कार्पेट बन जाती हूँ, वो आते हैं ऊपर से गुजर के चले जाते हैं, मुझे ये भी हुआ है मेरे साथ। हाँ। मुझे तो अभी याद आया, यकीन करें। क्या हुआ? आ प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। ये नहीं था उसमें। अच्छा नोनी, अल्लाह तेरे शिफा दे। अच्छा अल्लाह चूठना बुलाए ताड़ी वजह तो मैं भी डैमेज हो रही हूँ। अच्छा राणा साहब, मुझे बताएं कि आपको कौन सी वजारत में ज्यादा मजा आया? इस मुल्क के अंदर ना, फ्रेंकली जब हम लोग इक्तदार में आए और जब काम शुरू किया तो देखा कि दोनों तरफ ही काम करने के लिए बेतहाशा है। टीम लीडर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब थे। डिलीवरेंस आपकी और गवर्नेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराते हैं। हम लोग अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहराते थे और यकीन माने दिन रात का नहीं मतलब ध्यान रखते थे, और इसी वजह से हमने इतना कुछ डिलीवर किया। आज जो कमी नज़र आ रही है ना, उस कमिटमेंट की नज़र आ रही है, प्लानिंग की नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास प्लानर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे पास एक टीम थी, अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड लेजिस्लेशन, जब हम मैं असेंबली में था, इन पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई, और उसमें बहुत अहम लेजिस्लेशन, मतलब पहली दफ़ा हुआ कि विरासत के अंदर औरत को हक दिया गया, ये पहले से पहले नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हमें अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि ये किस तरफ जा रहे हो, और हमने वो करके दिया। ये वैसे और अब मजाक की बात है कि वो कहते हैं कि अब औरतों के हकूक तो आ गए, मर्दों के हकूक के लिए भी कुछ करना चाहिए हमें। सही बात है, साढ़े लिए भी कुछ करो ना। उन्होंने मर्दों की बात की है। हम अभी पॉलिटिक्स से हट के आप खाने पीने की बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं रेशम और राणा मशहूद साहब। तुम्हारी उर्दू बहुत ही शुस्ता है। इसमें मेरा कमाल नहीं है, बाजी इसमें कमाल है मेरे, नहीं बाजी का भी नहीं है, इसमें मेरे उस्ताद का कमाल। उस्ताद कौन है? अयूब खाबर साहब। क्या बात है। मैं उन जैसा बनना चाहती थी। शायर इंसान है और बला की शायरी लिखते हैं, तो मैं को बहुत लुकअप करती थी, और मैं अक्सर वो उन्होंने डायलॉग बताना कि ऐसे नहीं तुम गलत तुम बोल गई हो, मैंने कहा अच्छा आप बताएं कैसे बोलना है। अच्छा उनको ये बात बहुत मुद्दत के बाद मैंने बताई, मुद्दत के बाद अरसे के बाद बताई कि आपको जो बार बार आप दोहराते थे तो मैं सीखती थी। वाह, यकीन करें कि अक्सर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में बैठती हूँ और सबसे कम पढ़ी लिखी मैं होती हूँ। तो वो ज्यादातर लोग पता क्या कह रहे होते हैं, वो जो वक्त था ना वक्त, मेरा लगता है कि सर में किसी ने कुछ हथौड़ा मार दिया। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि माजरत के साथ वक्त होता है, हरज। अच्छा गोशत, आपने गोशत कहा है ना, ओ जी दो गांव बनी घर में उर्दू ही बोलती हो? नहीं, घर में कभी भी उर्दू नहीं बोली, पंजाबी बोलते। पंजाबी? हम ठेठ पंजाबी बोलते। ओए होए फैसलाबादी। ओए नहीं नहीं, हां नहीं बोलते फैसलाबादी, वो नहीं मतलब ऐदा कर लो उदा कर लो, बोलन तो दे हुन। हमेशा ये कहा कि इस तरह कर लेने उस तरह, क्योंकि बहुत छोटी थी जब हम लोग लाहौर मूव कर गए थे। अच्छा मेरी वालदा का एक शेर है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल फिट होता है इस टाइम तुम्हारे पे। लहजा दुरुस्त ना हो तो बेहतर है खामोशी, लहजा दुरुस्त ना हो तो बेहतर है खामोशी, शीरी कलाम हो तो सदा बोलते रहो। हदीका जी, तुझे शेर सुनाया इसी मौजू पे, मुझे भी एक शेर याद आ गया। जी जी। कहता है कि अगर उर्दू नहीं आती तो बोल पंजाबी, वाह वाह वाह, अगर उर्दू नहीं आती तो बोल पंजाबी, यही है तुम्हारी जबान की चाबी। छोटे छोटे शेर सुना देती हूँ, सुना एक आदमी फैज साहब का सुना देती हूँ, परवीन शाकिर का कोई सुना देती हूँ। जब्त का अहद भी है, शौक का पैमान भी है। वाह वाह। जब्त का अहद भी है, शौक का पैमान भी है, अहदो पैमां से गुजर जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, दर्द इतना है कि हर रग में है
महशर बरपा और सकूं ऐसा कि मर जाने को जी चाहता। वाह राणा साहब, तुसी भी कोई शेर सुनाओ, बल्कि तुसी शेर लेके आओ। ऐसा आपका एक और शेर है कि ना आज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर न सके। वाह वाह। ना आज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर न सके वो रात जो कि तेरे गेसुओं की रात नहीं। आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, मिसाल यार फकत आरज़ू की बात नहीं। आपने देखा है नोनी टोनी ये एक्सप्रेशन किस तरह देती हैं, विसाल है यार। कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये शेर है या कोई ट्रैफिक का काम? आप सारों ने शेर सुनाए जी, असी तानू हाथ ही सुना। एक हसन आस्ते छोटा जी, बड़ा सीरियस सा मुशायरा हो गया। जेदे नाल भी वाह पिया है ओ यू लांदा दा पिया है। जेदे नाल भी वाह पिया है ओ यो लांदा दा पिया है, डंगर भी फिर उधर गए ने जिथे बोता का पिया है। मेरी मुंदरी मोड़ दे मैनू, मेरी मुंदरी मोड़ दे मैनू, तेरा छल्ला आ पिया है। इलेक्शन के बाद जो गए थे ना आजाद कैंडिडेट्स जिनको लेके गए थे, आजकल वो यही कह रहे हैं सारे। तेरा छल्ला आ पिया है ते मैं एवें नहीं सी उठों दौड़ना, मैनू वड्डा सारा कुत्ता पिया है। राणा साहब कभी इश्क हुआ? कब नहीं हुआ। मोहब्बत एक इतना प्यारा हादसा है, मेरे ख्याल में ये सबके साथ पेश आता है। बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा शेयर हमारे साथ कर सकते हैं? मैंने घर जाना मुश्किल है। मौजम साहब ये जो चार्ट पड़ा हुआ है मेरे सामने इनका, इनके मून से फिफ्थ हाउस में जुपिटर है और वो एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, कम अज कम 5 ऐसी मोहब्बतें जिन्हें बंदा बार बार याद करता है। करंट स्टेटस क्या है? अगर मैं ओवरऑल देखूँ इस सब जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो कोई इतना अच्छा फेज नहीं है, हर चीज़ डिस्टर्ब है, ऐसे जैसे आप जल्जला ज़्यादा ज़मीन से गुजर रहे हैं। देखो जो तो 5 मुहब्ता उड़ गया ये तो फिर मेरे ख्याल में इनको सदका करना चाहिए। अरे ना साहब एक कदा भी जो सदका कर दे सदका दे बाकी सदका दे तुसी करना है कि गां करना है ये संडा काला जो है ना उसका सदका ज्यादा चलता है। यहाँ पे फैसला भी हो गया कि मेरी 5 मोहब्बतें हैं। ना साहब यहाँ पे इल्जाम नहीं है कि 5 ही मोहब्बतें हैं, हो सकते हैं इतना लोग कुछ ज्यादा। बाकी ये क्या आप क्योंकि स्वीट है तो हर शख्स का दिल चाहता है आपके साथ हेलो हाय रखे, हेलो हाय समझ रहे ना। अच्छा रेशम जी आपने नहीं बताया क्या ये मोहब्बतों के जो सिलसिले नहीं मोहब्बतें नहीं इसके बारे में अगर हम बता दें। बिल्कुल बताएं रेशम जी के बारे में 28 साल की जिंदगी आपकी। अच्छा एक मिनट अपने आलिया जी जी आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा मेरा दिल जरा। आपकी जो जिंदगी का 28वां साल था वो सबसे डिफिकल्ट था इमोशनल क्राइसिस के हवाले से, और उस वक्त शायद मंगनी हो गई थी। मंगनी नहीं हुई थी, शादी आप जो कह रही हैं हो जाती होते होते, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन उसकी उस बेहतरी के बारे में हमें बहुत बाद में पता चलता है। उस वक्त मैं बहुत इमोशनल थी कि ओ हो ये नहीं हुई, ऐसा हो गया, वो हो गया, रोना पीटना, लेकिन बाद में जाके पता चला कि अगर ये हो जाती तो क्या होता फिर? क्योंकि मुझे ना एक लफ्ज़ से नफरत है और मैं डरती भी हूँ उससे, और अल्लाह ताला किसी की भी बेटी के हिस्से में वो चीज़ ना आए। मुझे तलाक नाम के लफ्ज़ से मुझे ये लफ्ज़ नहीं अच्छा लगता। मैं कहती अगर हो तो फिर अब निभाएं, तो अगर वो तब शादी हो जाती तो फिर मेरी तलाक हो जाती। रेशम जी एक क्वेश्चन मेरा भी है, दिखा जी अगर आप इजाज़त दें। जब फिल्म इंडस्ट्री में आई शो बिजनेस में तो यहाँ भी बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े हैंडसम बड़े बड़े खूबसूरत लोग मौजूद थे, तो यहाँ आपका कोई? मुझे हीरोज अपने शान अच्छा लगता था, मोहम्मद राना अच्छा था, लेकिन हम मिजाज हम ख्याल कोई नहीं था। नहीं कोई तो आपको देख के कोई खुल के साइकिल से बजा हुए? जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मुझे शान बहुत पसंद थे, कुछ अरसे के बाद उनकी शादी हो गई, तो बल्कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई ही इसलिए थी, मेरी शर्त थी कि शान होंगे तो मैं काम करूंगी। अब कोई ऐसा हीरो है जिसके साथ? हमजा अच्छा है, गुड लुकिंग है, अच्छा काम करता है, उसके साथ रोल एक है ना, हो सकता है जब भी अच्छा अगर होगा तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम। आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग ही कर रहे जिन्होंने दिल से मान लिया कि हम एक्टिंग क्योंकि आपने कहा कि जरा मजाक करना है तो मैंने भी एक मजाक किया। तुसी मजाक करने असी इथे की करन बैठे हैं। मेरे ख्याल में ऑडियंस की बारी आनी चाहिए, कोई सवाल? जी मेरा सवाल राणा साहब से है, आपकी पार्टी थोड़ी मतलब ना इंतशार की शिकार हो गई है क्योंकि आपके जो लीडर्स हैं केसेस वगैरह चल रहे हैं नैब वगैरह के,
نواز شریف صاحب بھی اب جیل میں ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی میرے خیال میں پرماننٹلی چلے گئے ہیں لندن. تو اب آپ کی پارٹی کو پراپرلی کون لیڈ کرے گا اور آپ کی پارٹی کا لاہے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایڈا لمبا سوال مرے 36 منٹ کا پروگرام سارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور پارٹی کو توڑنے کی بے تحاشا کوشش کی گئی تھی. جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا, 31 سیٹوں سے ٹکٹ آخری دن واپس کرائی گئی جہاں پہ ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر سکے. بڑی لمبی داستان ہے. پھر اس کے الیکشن کے بعد بھی جو ہوا تو ہماری پارٹی میں سے آج تک ٹوٹا کوئی نہیں اور ٹوٹے گا بھی کوئی نہیں. چودھری نثار صاحب ٹوٹے؟ چودھری نثار صاحب تو دیکھیں الیکشن سے پہلے جو ہے ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. میں تھوڑی سخت بات کہنے لگا ہوں کہ جو جماعت کو چھوڑ کر گیا ہے نا وہ پھر کہیں نظر نہیں آیا. اور ہمیشہ لائلٹی کمٹمنٹ وہی آپ کو ریپے کرتی ہے. ایک بات تو نواز شریف صاحب کی اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ان کی وائف ڈیتھ بیڈ پہ تھی, ان کے پاس موقع تھا, ان کی بیٹی بھی وہاں رک سکتی تھی, وہ بھی رہ سکتے تھے, لیکن وہ یہاں آئے ہیں واپس. جیل میں ہیں, انہیں سب چیزیں فیس کی ہیں, پتہ نہیں چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن واپس ضرور آئے. میرا سوال عالیہ جی سے ہے کہ زرداری کا فیوچر کیا ہے؟ زرداری صاحب تو نومبر میں جیل جاتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ادی اور بلاول یہ لوگ شاید جیل نہ جائیں. یعنی کہ زرداری کا جو فیوچر ہے وہ بلاول ہے. اور بلاول کا فیوچر کیا ہے؟ شیخ رشید. کوشچن رانا صاحب سے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ بھی اگر فیصل آباد سے الیکشن لڑتے تو آپ بھی ہار جاتے؟ فیصل آباد بڑے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. اس وقت کا جو الیکشن ہے نا یہ انجینئرڈ ہے اور یہ بات وقت بتائے گا. دیکھیں فارم 45 تو آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جس کی بنیاد پر رزلٹ ملتا ہے, تو وہ رزلٹ جو ہے وہ تو دیا ہی نہیں گیا اور اس الیکشن کے اوپر بہت زیادہ کوشچن مارکس ہیں. اور ہمارے مطابق 56 سیٹیں ایسی ہیں جن کا رزلٹ چینج کیا گیا ہے. تو فیصل آباد کے لوگوں نے پوری وفا کی ہے, فیصل آباد کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لیکن وہ رزلٹ جو نکل کر آیا ہے وہ جو آپ چرلو کہتے ہیں وہ چرلو وہاں پر بھی پھرا ہے. اچھا رانا صاحب, ویسے ہر الیکشن دے وچ جڑا ہاردا ہوئے کیوں کہندا بھی دھاندلی ہوئی؟ ہاں تو ہارن تو بعد دھاندلی کہنا, اور ہیپی برتھ ٹو یو. اچھا رانا صاحب مجھے بتائیں, آپ کو گانے کا شوق ہے؟ سننے کا شوق ہے. بالکل بھی گانے کا شوق نہیں ہے کہیں گھر میں؟ اگر کسی کو دوڑانا ہو تو پھر گلوا لے مجھے, ورنہ تو ادھر وائز کچھ سنا ہی دینا. وہ جو 5 کا فگر انہوں نے بتایا ان کے سامنے کچھ تو سنایا ہوگا آپ نے. اب ان پانچوں کو پتا چل جائے گا نا کہ یہ تو وہ والا گانا نہیں جو ان کو سناتا ہوں میں. چلے آپ 5 مختلف سنا دیں. مجھے نا ایک تو ویسے بہت اچھا گانا لگتا ہے یہ شام مستانی میں دھوش کی ہے, یہ شام مستانی مد ہوش کیے جا مجھے تو, اور بس میرا خیال ہے کافی ہے. تھینک یو سو مچ رانا صاحب, آپ نے اتنا پریشس ٹائم نکالا. ہم ریشم کے ساتھ کنٹینیو کریں گے, آپ کو بھی جانا ہے. ویل جسٹ ٹیک اے لٹل بریک. ویلکم بیک ٹو آپ کے ستارے. ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری ریشم. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماڈلنگ, ایکٹنگ, ہوسٹنگ, ان میں سے کون سی والی فیلڈ ایسی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ تمہاری روح میں لگتی ہے؟ محنت جو ہے نا ان سارے کاموں کے لیے چاہیے حدیقہ. ایون آپ ماڈلنگ لوگ سمجھتے بڑی آسان چیز نہیں ہے, کئی کئی منٹس آپ کو ایک ہی ایکسپریشن کو, اسی اپنے پوسچر کو مینٹین کر کے آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے. تو جس میں یقین کریں کبھی گردن میں پینچر ہو جاتی تھی, کبھی کسی ٹانگ میں پینچر ہو جاتی تھی, کیونکہ آپ اسٹارٹیڈ فرام ماڈلنگ دین آپ اسٹارٹیڈ ورکنگ. بالکل صحیح. سب سے زیادہ کس سے ریلیٹ کرتی ہو؟ مجھے ایکٹنگ. ایکٹنگ اللہ میں. اور بڑی اسکرین یا چھوٹی؟ بڑی اسکرین پہ میں نے خود بہت برا کام کیا ہے, بہت اچھا کام بھی کیا, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا برا کام بھی جب حصے میں وہ بھی کرنا پڑا. انسان لرن کرتا ہے نا. لیکن پھر چھوٹی اسکرین پہ آ کے میں نے وہ کام کیا جو مجھے بڑی اسکرین پر نہیں ملا. ایکٹنگ کی جہاں پہ بات ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری آڈینس میں اب چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایسے کیریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایکٹنگ کا شوق ہے. کس کس کو ایکٹنگ کا شوق ہے یہاں سے؟ دو ترکی دے کوال لگ رہے ہیں. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ویسے ریشم جی کی بات سچی, لڑکوں میں ٹیلنٹ لگ رہا ہے مجھے. ہاں میرے خیال میں مقابلہ کروانا چاہیے, اور چونکہ ریشم جی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ججمنٹ تو پھر یہی کرے گی نا. سامنے آ جائیں جی. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام آسم ہے. آسم اتنی مری آواز کیوں ہے؟ آپ نے ایکٹنگ کرنی کہ پکوڑے لگانے؟ سچویشن پہ آؤ نا. سچویشن یہ ہے کہ ریشم جی آپ کی ہیروئن ہے,
दोनों आप कॉलेज में पढ़ते हैं? क्लास फेलोज हैं। ठीक है, और आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, इनका नाम है शबाना। तू जा कहना शबाना आज फिर तू मेरी रोटी खा गई। ए फिल्म की शूटिंग हो रही है तेरे घर के हालात। अच्छा भाई सीन शुरू करते हैं। हाँ। देखो बात सुनो आसिम। आए सच के जा ये 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 आज सुने अपना रेशम जी। ये आसिम की जगह अगर मैं आया तुसी ओथे बैठे रहो ताड़ी मेहरबानी। आसिम तुमने अम्मी जान से हमारे रिश्ते की बात कट 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 की होया इस फिल्म में ना हीरोइन जो हीरो पर ना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। चले हदीका जी आपने एक्शन कहना है। एक्शन आसिम वो तुमने अम्मी जान से बात की है हमारे रिश्ते के बारे में? जी मैंने बात की है शबाना जी। तेरी अम्मी जी। आसिम तुमने हमारे रिश्ते की बात अपनी अम्मी से की? मैंने की है अम्मी से रिश्ते की बात। और अम्मी ने कहा पहले डॉक्टर के पास जाओ। उन्हें कुछ बोलना भी होगा। एक्शन आसिम तुमने अम्मी से हमारे रिश्ते के बारे में बात की? मैंने अम्मी से रिश्ते के बारे में बात की है लेकिन वो अभी थोड़ा सा टाइम मांग रही हैं, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे है और मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। जानती हो। अच्छा तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सारे घर के भांडे बेच वेरी गुड आसिम बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह सारे एंड कहां ले आउंदे। नाम क्या है? नुमान। एक्शन तुमने अभी तक अम्मी से बात क्यों नहीं की? तुमने तो कहा था कि मैं अम्मी से हमारे रिश्ते के बारे में जल्दी बात करोगे। एक्चुअल मेरे फ्यूचर का आपको पता है, मैं फ्यूचर बनाना चाह रहा हूं। नुमान ते पेंचर हो गया लग रहा। मैं कह रहा हूं एक्चुअली मैं ना अपनी अम्मी से अब बात करने लगा था। बेटा ऐसे मजा आ गया। फिर कह रही बेटा जी। एक्शन देखो नुमान, अगर तुमने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात ना की तो मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं और कर देगी। नहीं, मैं उससे पहले अपनी मम्मा से बात कर लूंगा। कब कर लूंगा? तुमने पहले भी कहा था। मैं कल ही जाके बात करूं। ओ हीरो थत्था ही है। नेक्स्ट। अच्छा जी आप आ जाए, आप आ जाए। हाँ जी अल्लाह सारे माशाल्लाह बरसात दे हीरो। नाम क्या है? वकास अहमद। वकास चले वकास। आज मैंने इसलिए तुमको इधर बुलाया कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम्हारे वादे के मुताबिक तुमने कहा था कि मैं अपने घर बहुत जल्द बात तकरीरी मुकाबला नहीं गया। साहिब सदर मैं बीमार हूँ, मेरी मदद की जाए। थोड़ी फसाणी तू गवर्नमेंट लैंड हो रहे हैं। एक्शन अगेन। अब तुमने अपने घर में अपने अब्बा से बात की या नहीं? अब्बा से बात की थी मैंने लेकिन अब्बा ने कहा कि लड़का अभी कुछ नहीं करता इसलिए हम तुम्हारी शादी उनसे नहीं कर सकते। तो फिर मैं कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहूं? जितनी देर तू मरता नहीं। अब्बा ने कहा जब तक लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। ये नहीं होना। तानू की में पता है? एना वल ब्याया है ना इसको। चल गाने का सीन है। Oh, oh, oh.
गया। हदीका जी, जी आप बताइएगा इन सब में से किसने अच्छा परफॉर्म किया? उन्होंने। वो अभी माड़े संडे तक कभी पैसे सटे ही नहीं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ है हमारी बहुत प्यारी सी रेशम। रेशम का एक अपना टाइम कैसा होता है, अपना अपनी एक स्पेस वाला टाइम? वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें बड़ा एंजॉय करती हूँ मैं। उसमें म्यूजिक सुनती हूँ, पोएट्री पढ़ती हूँ और बच्चों से खेलती हूँ। अच्छा बात सुने रेशम जी, आपके लिए एक सरप्राइज भी है, आपको पता है क्या? ये जो भाईजन बैठे हुए हैं जी जी, हमारे स्टीव भाई जी और अभी हदीका जी, आपको कुछ खूबसूरत सा एक सॉन्ग सुनाएंगे हमारे एजाज में। आज मैं हदीका को लाइव पहली दफा सुन रही हूं। वैसे तो मेरी वालदा ने पूरा ये गाना लिखा है, लेकिन जो इसका बिगिनिंग पार्ट है वो प्रोफेसर मोहन सिंह साहब का है। बहुत ज़बरदस्त पंजाबी के पोएट थे, तो लाहौर से उनको बहुत ज़्यादा इश्क था क्योंकि लाहौर में वो पढ़ाते भी थे पंजाबी। तो उन्होंने लाहौर के लिए कुछ सवाल जवाब लिखे और वो मैं थोड़ा सा सुनाऊँगी और फिर अपनी वालदा का कलाम सुनाऊँगी और साथ में थोड़ा सा उसमें बाबा बुल्ले शाह जी भी का टच। दाल दस खां शहर लाहौर अंदर बैकिन नाले दस खां थोंदियां इटां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने ते नाले दस खां नाले दस खां ओथों दियां खुईयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने ते नाले दस खां ओथे किन्नियां व्याईयां ते किन्नियां कुवारियां ने। अब जवाब है दाल दसां मैं शहर लाहौर अंदर बई लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने जिन्ना इट्टां ते तर गए पैर आशिक है ओयो टुटियां बाकी सारियां ने ते जिन्ना खुईयां तो पर गए माशूक पाड़ी ओयो मिठियां ते बाकी खारियां ने ते जेड़ियां बैंदियां नाल अपने सजना दे हाए ओयों व्याईयां ते बाकी कुआरियां ने बूहे बारियां ते नाले कंधां टपके बूहे बारियां ते नाले कंधां टपके आवांगी हवा बनके बूहे बारियां खाए बूहे बूहे बारियां ते नाले कंधां टपके आवांगी हवा बनके बूहे बारियां खाए बूहे बारियां।
चन्न चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे डूंगे पानिया च फिर दीवे पे पल दे हो चन्न चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे डूंगे पानिया च फिर दीवे पे पल दे पे पल दे कंडे लग जांगे कच्चा खड़ा बन के कंडे लग जांगे कच्चा खड़ा बन के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारियां खाए बूहे बारियां। बाबा बुल्ले शाह जी का एक छोटा सा कलाम कि जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गई है हमारी और उसमें हम लोग सिर्फ जो है ना वो अब जाहिरी चीज़ों के ऊपर ही जा रहे हैं और अपने आप में अपनी खोज लगा ही नहीं रहे और सुपरफिशियल चीज़ों के अंदर हैं। उसके बारे में कहते हैं वेख आसमाना ते उड़ते पंछी वेख आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने ना कर दे रिज़्क ज़खीरा ना ओ भुखे मर देने हो बंदे कर दे रिज़्क ज़खीरा खाए ते बंदे भुखे मर देने कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा